एबीसी करने से हमारा लेग का स्ट्रगल पर पहुंच जाती है। तो एबीसी के लिए इधर हाथ टच करो। जय हिंद साथियों, 2023 न्यू SSCED ITVP का रनिंग कैसे करें? ITVP हो, BSF हो, CISF में हो, सभी को 5 किलोमीटर रनिंग तो मस्ट करना ही पड़ेगा। तो 5 किलोमीटर रनिंग बहुत लंबा रनिंग है। 5 किलोमीटर रनिंग के लिए आपको तैयारी तो करना बहुत जरूरी है, अभी से तैयारी करना पड़ेगा। डेली सुबह टाइम प्रैक्टिस करो, ये बिना तैयारी के आप नहीं जा सकते। 5 किलोमीटर रनिंग बहुत ही हार्ड रनिंग है और साथ में 100 या 150 जन को छोड़ दिया जाएगा, तो उसमें हमको उसके साथ भी चेस करना पड़ेगा। एक लंबा रोड पर आपको रनिंग होता है, तो लंबा रोड पे बहुत सारे साथियों हैं, तो हम अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो आगे नहीं बढ़ ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे दोस्तों साथ में दौड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है। और जो हमारा फिजिकल टेस्ट है, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, चेस्ट चाहिए, हमारा मेडिकल जो फिटनेस है उसके लिए तो आपको डेली फिटनेस में ही रहना पड़ेगा। तो फिटनेस में रहने के लिए कुछ तरीका है हमारे, इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों। तो SSCED का अभी एग्ज़ाम का जो आंसर की है वो दे दिया, तो आपने जाकर देख सकते हैं आपका आंसर की, तो रिजल्ट जरूर ही सामने आएगी। तो अभी से आप फिजिकल का तैयारी करते हैं तो आपका 100% सक्सेस गारंटी है। तो साथियों, स्ट्रगल पावर और हमारे जो स्टेमिना पावर है उसको लेग का बढ़ाने के लिए आपका लेग का एक्सरसाइज ज़्यादा करना है और रनिंग भी ज़्यादा करना है। रनिंग का टिप, आप सुबह 6 बजे ग्राउंड में जाकर अपना थोड़ा 10-20 मिनट रनिंग कर सकते हैं। थोड़ा धीरे धीरे रनिंग करें, ठीक है साथियों। धीरे धीरे रनिंग करने से हमारा लेग एक्सरसाइज हो जाता है और उसमें हमारा जो पसीना है, अभी तो समर सीजन है, ग्रीष्मकाल, तो आपका ज़्यादा पसीने आएंगे तो ज़्यादा ही आपका अंदर का दम बढ़ जाएगा। तो शुरू करते हैं। ईट को भी ग्राउंड में रखें, पहले रनिंग करें। रनिंग करने के लिए कुछ टिप्स हैं। रनिंग करें दो अलार्म दे दीजिए, 10 मिनट या 20 मिनट। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग का चेस करना पड़ता है, तो आप 10-20 मिनट जितना रनिंग करें या 5 मिनट का ही 5 किलोमीटर का रनिंग अगर करना चाहते हैं तो आपका जो रोड है उस हाई रोड पर भी दौड़ सकते हैं। 20 मिनट का 24 मिनट का मोबाइल में अलार्म देते हैं। रनिंग करने के बाद एक ईट का एक्सरसाइज करें। ईट तो इस तरह से रखें, हमारे जो एक दाग दे दीजिए इधर, ये दाग, इस दाग में हमारा पैर को ऐसा टच करें, ठीक है साथियों। देखो इसमें हमारा लेग स्ट्रगल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसके लिए ये एक्सरसाइज करना है साथियों, आपका लेग का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर लेग का एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ऐसा। लेग फ्री करने के लिए नंबर वन तरीका। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इस तरह से ना, बॉडी को बैलेंसिंग करके रनिंग करें ऐसे। इसे भी लेग का स्ट्रगल पावर बढ़ाने के लिए नंबर वन तरीका है। इसे कुली रैप्स कर सकते हैं, दिन सकते हैं। फिर 1 मिनट रेस्ट। फिर शुरू करो। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है ABC कर लो। ABC करने से हमारा लेग का स्ट्रगल पावर पहुंच जाती है। तो ABC के लिए इधर हाथ टच करो। ऐसे करके भी ABC करने से हमारा अंदर बॉडी का बैलेंसिंग बढ़ जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और ये टिप्स को और ABC को डेली करना और रनिंग करना, आपका 5 किलोमीटर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।